वेलकम बैक टू ईपी गेमिंग गाइस ये देखो आज हम दोबारा से एक और नया वाला चैलेंज करेंगे भाई भाई सब सिंचन तू देख रहा हो तो बहुत ही बड़ी वाली रोड के ऊपर आए हैं अरे फ्रैंकलिन भैया वेट रोड के सामने इतना बड़ा सा मेगा रैंप क्यों बना रखा है भाई तो नीला वाला रैंप है भाई बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाता है लेट्स गो गाइस आज तो यार वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा चलो गए तो फटाफट से यार इस वाले चैलेंज को स्टार्ट करते हैं अरे फ्रैंकलिन भैया चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ही गिर रहे हो इसका मतलब आज आप चैलेंज नहीं जीतने वाले अरे आज तो तुम्हारा भाई जीतेगा गाइस फटाफट से यार इस वाले चैलेंज को एक बार ऊपर से देख लेते हैं हां कल बहुत

स्पॉइलर वेट अरे फ्रैंकलिन भैया ये रास्ता मुश्किल लग रहा है मेरे को अरे नहीं भाई ये तो बहुत ही आसान रास्ता वेट को निकालना पड़ेगा चलो तो फटाफट से गाड़ी को निकालते और आगे जाते हैं सीधा करने की कोशिश करते गाड़ी तो बहुत ही आसानी से सीधी हो जाएगी अरे नहीं होगी मेरे को पता भाई सीधा कर रहा ना तू नीचे गिर जाएगा नहीं गिरा नहीं गया वेट भाई ये कैसा रेड सा रास्ता है टायर फसेगा तो काम तमाम नहीं भाई मेरे को यार जंप लगा यारम्प लगा लगाकर आगे जाना होगा वेट यहाँ पर तो यार छोटी सी लाइट भी है अरे वे लाइट वाइट ही तो ऑब्स्टेकल बनेगी और तेरे को नीचे गिराएगी अरे नहीं मेरे को नीचे, नीचे नहीं गिरना गाइस मेरे को तो आगे जाना धूम मचा के आना वेट भाई ये रास्ता तो दोबारा ऐसी आगे ब्लू कलर में अरे लाइट जल रही है दोबारा से अरे भाई रेड कलर की लाइट जलने का मतलब डेंजर और तू अब आउट होगा अरे भाई तुम दोनों शांत रहो मेरी गाड़ी टकरा गई अरे नहीं मैं कभी भी गिर सकता हूँ आप लोग सपोर्ट कर दो लाइक बेक कर दो अरे नहीं ये तो यू टर्न वाली रोड है अरे भाई वे उधर कहाँ जा रहा है रास्ता इधर से है अच्छा भाई मैंने तो देखा ही नहीं बीच में रास्ता बना रखेगा

तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है अरे नहीं रेड वाली कलर की गाड़ी क्यों ले ली और भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सुपर फाड़ू गाड़ी लग रही है कलवे इधर से रास्ता है क्या अरे हाँ भाई मेरे को यहीं से ऊपर जाना होगा मैंने चढ़ाई कर लिया फटाफट से आगे आगे जाते आगे तो टायर्स वाले, रास्ते वाले रास्ते हैं अरे टायर वाले रास्ते ही तो खतरनाक होते हैं वो आपको गिरा देंगे भाई गिराया ही नहीं ये देखो ये देखो आगे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फंस जा रहा है भाई ये व्हाइट वाला रास्ता तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है भाई मेरी गाड़ी तो इसके ऊपर चढ़ी नहीं रही अरे सीधा करो उसके बाद जाएगी टेढ़े में नहीं जाएगी अच्छा ऐसा आ गया थैंक यू भाई तू तो मेरे लिए रास्ता बता रहा है भाई ऐसे मत कर

लग गया और भाई कुल ये तो नए वाले चेक पॉइंट के पास पहुंच गया अच्छा लगा इस फटाफट से गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं वेट गाड़ी तो टूट गई लेकिन कोई बात नहीं अब फटाफट से मेरे को नया वाला चेक पॉइंट मिल चुका है तो मैं एक नई वाली गाड़ी पिक कर लेता हूँ ये ब्लू कलर की गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी है भाई इसके देखो गाइस कितने तो ज्यादा बड़े और लंबे चौड़े हैं भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा तेरे को तो हाँ फ्रैंकलिन भैया बहुत मजा आ रहा है वेट आराम से जाऊंगा गाइस आराम से बिल्कुल आराम से चैलेंज करना है बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक नहीं करना है पैनिक अगर मैं करूंगा तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा फ्रैंकलिन भैया की तरह अरे तू तो भाई लूजर है तू तो नीचे ही जाएगा और कहा जाएगा सिंचे आज तो तेरा हारना पक्का है चलो गाइस इस लूजर को हारते हुए देखते हैं बिल्कुल सही बात है अब दोनों लूजर हार जाएंगे अरे ये तो दोनों की बेस्ती कर रहा है भैया अरे चॉप द पिंकी तू भी हारेगा देख हो भाई तू तो हमेशा हारता है तो आज भी तो तू हारेगा चॉप द पिंकी तू तो यार कुछ ज्यादा ही बोल रहा है अरे फ्रेंकलिन भैया इसका तो रोज का काम है ये तो ऐसे ही बोलता रहता है और एंड में पता ही है की आउट हो जाता है अरे भाई एंड में तो सबको हारना है एंड में तो तुम्हारा भाई जीतेगा चॉप द पिंकी तू भी हारेगा सिंचे तू भी हारेगा मैं नहीं हारने वाला फ्रेंकलिन भैया अभी आपको ओवरटेक करता हूँ चलो गाइस फुल स्पीड में आगे चलते फ्रेंकलिन भैया आप हो कहाँ पे भाई मैं तो बहुत ज्यादा आगे हूँ भाई दम मैं तो मेरे को पकड़ कर दिखा चलो अगर मैंने फ्रैंकलिन भैया को पकड़ लिया तो आप सभी लोगों का काम है आप, लोग आप लोगों को तो पता है क्या करना है। जली जली मिल गई अरे फ्रेंकलन भैया मैं तो ये वाली गाड़ी लूंगा ये तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है सोने की गाड़ी है तू नीचे गिरेगा मैं तो जाऊंगा ब्लू वाले रास्ते से क्योंकि आपने रेड वाला रास्ता पिक किया था और मैंने ब्लू वाला रास्ता पिक किया वेट भाई तू तू मेरे पास कब पहुंचा अरे फ्रेंकलिन भैया पीछे देखो हो हो, अब आएगा असली मजा चलो गाइस फटाफट से अब अपनी गाड़ी को बिल्कुल सीधा सीधा इसके ऊपर ले चलते हैं भाई सीधा नहीं अब तो तू सीधा नीचे जाएगा बिल्कुल सही बात है सीधा सीधा नीचे जाएगा अरे नहीं 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 ध्यान से करना पड़ेगा नहीं तो मैं नीचे जा सकता हूँ अरे जाने ही वाला है आप लोग उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो उसके बाद तो ये गिरने ही वाला हारेगा भाई हारेगा आज तुम्हारा सिंचन हारेगा वेट वीडियस की गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आगे जा रही है देखा फ्रेंकलिन भैया कर दिया ना मैंने कमाल आ रहा भाई कुछ कमाल ना किया ये देखो अभी पत्थर आ गए ना जिस पत्थर से हमारा फ्रेंकलिन यानी कि कलवा टकरा के नीचे गिरा था तू भी गिरेगा अरे मैं तो गिरा ही नहीं हूँ oh अरे तो तो मैं नहीं जाऊंगा तो आप में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा देखो मैं तो छोटा प्लेयर बन जाऊंगा ना अरे हाँ भाई भाई ये क्या हो रहा है भाई तेरी गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही अरे नहीं सामने तो यार एक बहुत बड़ी वॉल आ गई वेट अरे आर पार हो गया क्या मैं अरे भाई कैसी जादुई वॉल है भाई इसके थ्रू तो तू आर पार हो जा रहा है सही बात है

नीचे जाना तू कहा जा रहा है अरे भाई ये तो आ, पता नहीं जीने के ऊपर जा रहा है जो स्टेयर है ना वहाँ से अरे नहीं यहाँ तो एक बहुत बड़ा घर बना रखा है अरे नहीं यार ये सारे के सारे रास्ते ब्लॉक मैं क्या करो अरे भाई पीछे जा पीछे अरे पीछे अरे नहीं जाते मैं नीचे गिर गया चौप पिंकी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं तूने मेरे को नीचे गिरवा दिया भाई मजा आ गया सिंचर को तो यार कोई सा भी रास्ता नहीं मिला और ये तो सीधा नीचे गिर गया मजा ही आ गया अब तो मैं जाऊंगा धूम मचा के आऊंगा अरे नहीं मेरी गाड़ी भी टूट गई तो चलो गाइस फाइनली मेरी बारी आ चुकी है ओ अब आएगा असली मजा अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो आपकी बारी काट के ये जा रहा है अरे भाई सिंचन अगर तू ध्यान से सोचेगा तो तेरे को पता चल जाएगा की मेरी बारी थी उसकी नहीं अरे हाँ भाई मैं तो मजे ले रहा था चलो कोई दिक्कत नहीं द पिंकी का भी अब खेल देख ही लेते भाई वैसे भी इसको हारना ही है अरे भैया हारना तो देखो सबको ही है आपको भी हारना पड़ेगा अरे भाई ऐसा नहीं होगा मैं तो कभी भी नहीं हारने वाला अरे भाई मैं भी नहीं हारूंगा भाई मैं तो उल्टा जीत कर आऊंगा सबको हराऊंगा वेट गाइस ये ये तो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे जा रहा है द पिंकी तू ठीक है ना अरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ कलवे अभी मैं तेरे को बताता हूँ अभी तेरे को भी पछाड़ दूंगा और सिंचन को भी अरे सिंचन को हराना तो बच्चों का खेल है बट मेरे को हराना इम्पॉसिबल है बोले तो इम्पोसिबल भाई मेरे को कोई भी नहीं हरा सकता भाई कल शांत रहे देख, तेरे को हराना आसान है क्योंकि तू सेकंड पोजीशन पे है और सिंचन को हराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है और गाइस ये देखो मेरे को नया वाला चेक पॉइंट मिल गया वो भाई इसको तो पिंक वाली गाड़ी मिल गई चलो गाइस यही सही टाइम है इसको चिढ़ाने का गाइस आप लोग जाकर फटाफट से लिखो इनकी पिंकी पोंकी है हमारा डोंकी ओ भाई आज तो भाई इसकी बेजती होनी चाहिए अरे बिल्कुल होनी चाहिए फ्रेंकलिन भैया क्योंकि देखो ये द पिंकी नहीं ये द नूब है अरे हाँ भाई ये तो यार सब कुछ है द पिंकी भी है द ढक्कन भी है द घोचू भी है जो

पलट जाती अरे फ्रैंकलिन भैया आप बहुत ज्यादा पीछे हो मैं तो कहता हूँ की आप हार ही मान लो अरे मैं कभी हार नहीं मानता हूँ तो जीत कर दिखाएगा और इन सभी को हराने वाला है। बहुत है। अरे पत्थर क्यों रखे पता नहीं इन भाई अच्छी बात कलुआ गिर जाएगा अरे हाँ ये बात भी सही है भाई क्या हो रहा है मेरी गाड़ी तो आ रही है तो भजगलो अब तो तुम्हारा भाई भी जाएगा इस जादु रास्ते से आगे अरे हाँ ये इनविजिबल वॉल है फ्रेंकलन भैया कलुए ढंग से जम्प करवा लो रोड पे नहीं तो तू आउट हो जाएगा मैं तो उस रोड से सीधा आर पार होकर यहाँ पर गिर गया ओ भाई मजा आ गया मैं तो यार बिल्कुल अच्छे वाले जगह पर लैंड हुआ हूँ अरे फ्रेंकलन भैया अब आप येलो वाले ब्लॉक पे पहुंच चुके और मेरे ख्याल से आप जम करके पिंक वाले पे जाओगे अरे फ्रेंकलन भैया डगमगा गई थी तो आपको कंट्रोल करने आना चाहिए था और कंट्रोल कर तो ली ओ भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है ओ भाई मेरे फोटो खींचो भाई बिल्कुल लाइव आना चाहिए ओ माय गॉड यहाँ जितने भी लोग हैं ना भाई बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं भाई बहुत ज्यादा मज़ा आता है वेट गाइस ये क्या हो गया मेरी गाड़ी कहाँ जा रही थी ओ भाई मजा ही आ गया आज तो तुम्हारा भाई जीतेगा गाइस आप लोग भी

पहले ना आपकी गाड़ी को तोड़ देता हूँ तीन दो एक वाह अब आएगा, आएगा असली मजा भाई अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं भाई अब तो तेरे को रास्ता भी नहीं मिलेगा वेट ये क्या हो गया तू आर पार कैसे हो गया अरे भाई ये घर के अंदर घुस गया अरे वेट गाइज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ सीक्रेट ये ना एक्चुअली एक इनविजिबल हाउस है मैं समझ गया था फ्रेंकलन भैया ओ माई गॉड ये देखो गाइज यहाँ से रास्ता बना रखा है ये वाला हाउस बिल्कुल सही था ओ हो अब आएगा बिल्कुल असली मजा हो क्या रहा है तेरे को भाई तेरी गाड़ी कहाँ जा रही है वेट भाई ये घर तो दोबारा से आ ये भी आर पार हो जाती है क्या हाँ फ्रेंकलन भैया ये आर पार नहीं होता एक्चुअली हमारी गाड़ी हो जाती है क्योंकि ये एक इनविजिबल रास्ता है और हमें अपनी गाड़ी को इसी के आर पार ले जाना है, है? सारे तो बात है सारे रास्ते थे चलो अब एक काम करते हैं फटाफट से एक नई गाड़ी पिक करते हैं क्योंकि मैं एक नए वाले चेक पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ रेड वाली गाड़ी मतलब क्या बात कर रहे है ठीक है फिर मैं इससे निकल जाता हूँ और फ्रेंकलेन भैया के लिए छोड़ देता हूँ मैं तो ब्लू में बैठूंगा नहीं ब्लू

तीन, दो एक जू हो क्या रहा है इसको भाई इसमें तो अलग ही एनर्जी आ रही है अरे फ्रेंकलिन भैया जितनी स्पीड से गाड़ी नहीं चल रही उतनी स्पीड बढ़ी तो नहीं बढ़ती भाई एक्सेलरेशन देने से बढ़ती भाई एक्सेलरेट कर अपनी गाड़ी को और भाई इतनी ज्यादा तेजी में उसका पेडल दबा देना की तेरी गाड़ी आसमान में चली जाए अरे भाई क्या हो गया भाई ब्रेक क्या लगा रहा हैगा अपनी गाड़ी को अरे फ्रेंकलिन भैया ये गोची हुए रहने तो इसके बस की बात नहीं और भाई बस की बात नहीं इन्होंने तो यार बेजती कर दी चलो फटाफट से अब एक नई वाली गाड़ी ले लेते हैं पिंक वाली लूंगा भाई इसके लिए तो पिंक वाली गाड़ी बची भाई इसको तो आज यार बहुत सारी पिंक वाली गाड़िया मिल रही है अरे फ्रेंकलन भैया इससे साबित होता है की आज का चैलेंज ये जीतेगा नहीं और भाई क्या मतलब पिंक वाली गाड़ी जिताएगी भाई पिंक वाली गाड़ी ना तेरे लिए बहुत ज्यादा लगती है भाई तू कभी भी पिंक वाली गाड़ी ले जाता है तो हारता ही है हाँ कभी मतलब जीत नहीं पाता और भाई टायर आ गया टायर चाहिए किसी को टायर भाई इतने बड़े टायर कौन ही लगाता गाड़ियों में अरे फ्रेंकलिन भैया पिंकी लगा के हार जाता है ना अरे हाँ भाई मैं तो भूल ही गया था द पिंकी है ना हमारा लूजर ओ वेट भाई देखो भाई ऊपर तो भी नहीं चढ़ पा रहा अरे सीधा कर तब जाएगा अरे ठीक है थैंक यू यार बताने के लिए चलो फटाफट से आगे चलते वैसे सिंचन तू हमें रास्ते क्यों बता रहा है और तरीके क्यों बता रहा है ताकि यार तू जल्दी से हार सके भाई हारेगा थोड़ी ना उल्टा ये जीत जाएगा सिंचन इसको कुछ भी मत बता भाई तू अपनी टेक्निक मत बता इसको अरे शांत रहो फ्रेंकलिन भैया मैं बताऊंगा देखो नहीं तो यार ये ज्यादा पीछे रह जाएगा फिर यार चैलेंज करने में मजा नहीं आएगा और भाई मजा रुक जाओ मजा तो मैं चकाऊंगा तुम लोगों को मैं सीधा जीत ही जाऊंगा उसके बाद असली मजा आएगा भाई मत बताओ भाई

बोल रहे हैं इस साइड जाने के लिए फटाफट से एरो को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं अरे फ्रेंकलन भैया एरो को फॉलो करते हुए गिर जाओ अरे नहीं अरे भाई मेरी गाड़ी तो टप्पा खा गई थी भाई ये हो रहा है भाई गाड़ी गाड़ी कहाँ जा रही है भाई इधर नहीं जाना अरे गाड़ी नहीं कबाड़ी है बिल्कुल सही बात है ओ गॉड ये देखो इनविजिबल वाला रास्ता तूने कर दिया पार अरे हाँ भाई मैं तो आज इन सभी रास्तों को पार करते हुए आगे जाऊंगा गाइस देखो घर के अंदर जा रहा हूँ और आर पार हो जा रहा हूँ भाई मजा ही आ रहा है अरे फ्रेंकलन भैया अभी एक और हाउस है इसको भी आर पार कर दो ये मैजिकल हाउस है भाई हाँ मजा तो बहुत आ रहा है गाड़ी अपने आप इसके अंदर घुस जा रही है फिर पता नहीं कहीं से भी निकल रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो फार्मूला वन कार नहीं वेट फॉर्मूला वन थोड़ी ना लेना आपको तो वो गाड़ी लेनी है अरे हाँ, ये शायद बुगाटी वाली गाड़ी है पता नहीं गाइस ये कौन सी मॉडल है चलो गाइस अब फटाफट से इसी मॉडल के अंदर बैठते और आगे चलते हैं अरे फ्रैंकलिन भैया ये रास्ते बहुत स्लिपरी है आप स्लिप हो जाओगे नीचे गिर जाओगे भाई सही बात है और बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही भाई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है अरे फ्रैंकलिन भैया अब आप सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं मेरे को आपने ओवरटेक कर दिया भाई ये क्या हो रहा भाई मजा ही आ गया चलो यार इसी बहाने यार हमारा सिंचन तो पीछे हुआ अरे भाई बिल्कुल सही बात है हुई लेकिन तू मेरे

ओवरटेक कोई नहीं कर सकता भाई मैं तो यार बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर हूँ आज तो तुम्हारे भाई का जीतना पका आज तो तुम्हारा भाई जीत कर आएगा अरे हार क्या हो गया फ्रेंकलन भाई ये लो, ये लो तो बहुत आगे पहुंच गए कहा ओ भाई ढूंढ लिया मैंने इसको ढूंढ लिया ये लो भाई ये बोल रहा था ना मैं ओवरटेक नहीं कर सकता ये देखो भाई मैंने तो इसको एक ही बार में ओवरटेक कर दिया अरे नहीं कल ये गलती से किया हुआ ओवरटेक है समझा क्या तू झूठ मत बोल वेट भाई यहाँ पर तो ब्लैक वाली गाड़ी है भाई ऑल ब्लैक वाली गाड़ी लूंगा अरे नहीं अरे यार ये तो बहुत नया स्किन है वेट ये मेरे को चाहिए थी ओ भाई मजा आ रहा भाई के अंदर तो यार दो दो बूस्टर से भाई इसकी स्पीड देखो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की स्पीड है अरे फ्रेंकलिन भैया वेट ये ये कंटेनर है क्या पता नहीं है ट्रेन के डब्बे अच्छा इन डब्बो को भाई आराम से पार करना होगा अरे लेकिन आप हाँ तो आराम से कर ही नहीं रहे और आ भाई तू गिर जाएगा जा भाई ये देखो ये देखो कैसे जा रहा फुल स्पीड में भाई नहीं है मेरे को इसके अंदर अटकना नहीं है जो भी इसके अंदर फंसा वो निकल नहीं पाता अरे फ्रेंकलन भैया मैं यही तो चाहता हूँ अब भाई ये देख रेड एरो बोल रहा उधर जाने के लिए अच्छा हाँ भाई यहाँ से जाना ना मैं भी ना ही गधाई वेट भाई ये चक्री आ गई भाई चक्री घूम रही है अरे फ्रेंकलन भैया ये टनल है जिसके अंदर चकरिया है जिसके अंदर ये एक छोटा सा रास्ता भी है भाई गाड़ी टूट रही चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं अच्छा भाई यहाँ से हमें यू टर्न लगाना है और फिर नई वाली गाड़ी पिक करनी है अरे कौन से कलर की गाड़ी लोगे और भाई कल वो वो जो नया स्किन है ना वो मेरे को चाहिए भाई अब तो मैंने उसको चला दिया भाई अब उसको कोई भी नहीं चला सकता वीडियो रेड वाली गाड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है चलो गाइस इसको चलाते हैं अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हुआ आपकी गाड़ी तो नीचे गिर गई नीचे गिर गई नहीं नहीं मैं अपने आपको बचा लूंगा भाई मैं अपने आपको बचाने में भाई कामयाब हो गया भाई मजा ही आ गया फटाफट से इस होल के अंदर चलते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे होल्स हैं है भाई होल के अंदर कर दिया तूने गोल

गोल गोल घूमते हुए इन सभी को मैं पार कर दूंगा वेट मैं तो नीचे गिर रहा हूँ वो भी बहुत ज्यादा तेजी में अरे वाह अब आएगा असली मजा वेट आप तो बच गए भाई मजा आ गया अच्छा भाई तो बच्चों को खेले देखो गाय मैं तो एक ही बार में इन सभी रोड को पार कर दूंगा ओ भाई कभी ऊपर तो कभी नीचे कभी इधर तो कभी उधर ओ वेट भाई ये गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही अरे फ्रेंकलन भैया नहीं जा पाएगी ना क्यूँकी देखो ये ना रास्ते ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कोई दिक्कत नहीं है इस डिफिकल्ट चीज को तो हम आसान बना देते हैं और इजी पीजी कर देते हैं बिल्कुल ओ भाई ओस इस गाड़ी को देख रो भाई कैसे मैं गोल गोल घुमाते हुए आगे ले जा रहा हूँ अरे गाड़ी गोल नहीं घुमा रहे हो आपकी गाड़ी खराब हो गई है और भाई लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से ये बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया है ओ भाई आज तो तुम्हारा भाई एक ही बार में चैलेंज को कम्प्लीट उम्पलीट करके बहुत ज्यादा आगे भाई ये देखो एफ वाली कार ओ भाई नहीं अरे नहीं ये क्या किया आपने ओ भाई मैं बच गया वहाँ पर टी एन टी बॉम्ब ऐसी ब्लास्ट हो गई थी गाड़ी अरे भाई कुल ओ खेल खेल खत्म खत्म देख रहे हो इस गाड़ी में तो आग ही लग गया भाई मतलब इसका खेल ही खत्म हो गया भाई पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई अरे फ्रैंकलिन भैया इसका मतलब अब आप आउट हो तो चलो गाइस फाइनली हमारे फ्रैंकलिन भैया नीचे

भाई गाड़ी को ऐसे मत बोल वरना गाड़ी तेरे को नीचे गिरा देगी अरे क्या बात कर रहा हूँ फ्रेंकलिन भैया अरे ठीक है सॉरी गाड़ी माय गॉड सही बात है गाड़ी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है भैया इसका कलर भी प्यारा है भाई अगर इसको बुरा भला बोलता रहेगा तो भाई ये गाड़ी नाराज हो जाएगी और फिर तो तेरा खेल ही खत्म हो जाएगा गाड़ी तेरी बात भी नहीं सुनेगी और भाई ये क्या देख लिया मैंने भाई तूने चॉप द पिंकी को भी ओवरटेक कर दिया भाई बिल्कुल सही बात है ऐसा कैसा कर दिया अरे वाह मजा ही आ गया अरे अब तो मैं बोलूंगा कबाड़ी गाड़ी मजा आ गया चलो गाइस उस गाड़ी का तो काम तमाम हो गया भाई ऐसे नहीं करते भाई जिस चीज को यूज हैं उसकी तारीफ करते हैं उसकी बुराई नहीं करते क्या बात कर तो 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 चलानी भी नहीं आती भाई, ये ये तो अब नीचे जा रहा है अरे नीचे नहीं जाना गाड़ी पीछे हो चलते हैं अरे ठीक है अरे थोड़ा सा ध्यान से अरे क्या हो रहा है बचाओ तू कंटेनर में फंसने वाला है मेरे को सब दिख रहा है देखो 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 इसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई है अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया अच्छा हाँ ये रहा एरो बोल रहा है इस वाले टनल में जाने के लिए आ रहा या तो फुल स्पीड में भाई चक्री से बच के चक्री से बच के अंदर क्रश हो जाएगा पहले बताना चाहिए अरे, तो 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 अरे, बता अरे ये कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है पता नहीं कौन सा कलर है ग्रीन टाइप का कोई कलर है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है इसकी मदद से हम आगे जा रहे हैं यार फिर से गाड़ी टकरा गई भाई चक्री से बच के आ रहे भाई तेरी गाड़ी खुल गई बिल्कुल सही बात है उसका बोनट वोनट सब खुल गया वेट यहाँ से इधर जाना है मेरे को एरो बोल रहा है इधर जाने के लिए और उसके बाद मेरे को उस साइड जाना है ठीक है चलो ऐसे कर लेते हैं उसके बाद मेरे को इधर जाना है ठीक है कुछ ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद और आगे जाते हैं भाई ये जितने भी रास्ते थे बहुत ही खतरनाक अप साइड डाउन वाले रास्ते थे बिल्कुल सही बात है फ्रेंकलिन भैया और ये देखो इतने सारे और भी कलरफुल रास्ते आ गए ये तो यू शेप के बनाए गए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग से रास्ते है सही बात है और गाड़ी देखो भाई इसकी बार बार खुलती जा रही है मतलब खराब होती जा रही है और गाड़ी तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा रहा है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं नीचे जाएंगे आराम से प्यार से ओ रुक जा गाड़ी रुक जा ओ हो, हो मजा आ गया इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया सही बात है यार गाड़ियों की बेजती नहीं करनी चाहिए गाड़ी अच्छी होती है भाई तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है ऐसा नहीं हो सकता सिंसे तू नहीं जीतेगा उससे तुम्हारा भाई जीतेगा सिर्फ अरे फ्रेंकलिन भैया आप कहा हो मैंने आपको ओवरटेक कर दिया क्या नहीं नहीं वेट गाइस इसने तो अब मेरे को ओवरटेक कर दिया ये देखो भाई तो मेरे आंखों के सामने से बहुत ज्यादा तेजी में निकल गया भाई कुल भाई ये देखिए तो रिंगा रिंगा रोजिस पे आ गया अरे रिंगा रोजिस नहीं ये रिंग्स है रिंग्स अरे हाँ भाई बहुत ही बड़े बड़े रिंग्स है देख रो गाइज ओ भाई गोल गोल घुमा देगा रिंग ये अरे अरे वेट अरे नहीं ये क्या हुआ यार भाई मजा आ गया इसका तो खेल ही बंद हो गया मतलब खेल ही खत्म तो चलो गाइस फाइनली मेरी बारी आ चुकी है फटाफट से इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं भाई मैं कौन से पोजीशन पे हूँ फर्स्ट पोजीशन पे ना अरे हाँ भाई तू तो पहले पोजीशन पर है भाई बहुत ही ज्यादा कमाल कर रहा है भाई भाई तू तू चॉप द पिंकी यार सही में महान है अरे लेकिन तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे अरे हम लोग दिखेंगे ही नहीं क्योंकि तू फर्स्ट पोजीशन पे है ना तो हम लोग नहीं दिखेंगे अरे अच्छा ठीक है चलो गाइस फटाफट से इस वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं अरे भाई मैं तो अब जीत ही चुका हूँ तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा स्लो स्लो ही चैलेंज कर लेता हूँ अरे हाँ भाई बहुत ज्यादा सुपर फास्ट है भाई तू तू भाई तेरे जैसा तो बंदा ही नहीं है हाँ फ्रेंकलन भैया बिल्कुल आप सही बोल रहे हो अरे भाई ये देखो अरे अरे ये कैसे कंटेनर लगा रखे हैं अरे भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अरे अरे बचाओ भाई इसको तो, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब इसकी और तारीफ करें अरे फ्रेंकलिन भैया ठीक है इसकी तारीफ करते हैं बिल्कुल मक्खन मलाई लगा देते हैं अरे है भाई अरे द यार तू ना बहुत ज्यादा महान है भाई तेरे जैसा तो भाई चैलेंजर है ही नहीं अरे भाई पागल समझा क्या मैं 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 चैलेंजर अच्छा नहीं हूँ मेरे को पता है मैं बहुत ही बेकार खेलता हूँ भाई ये देखो ये देखो भाई इसकी गाड़ी देख रो कहाँ जा रही है भाई

आगे भाई मैं तो जाऊंगा भाई मैं तो यार सही में चैलेंज अच्छे से कर रहा हूँ वेट अरे भाई नहीं यार ये एरो वाले रास्ते क्यों आ गए अरे फ्रैंकलिन भैया आप मेरे को ओवरटेक कैसे कर रहे हो भाई मैं तो तेरे को भी पछाड़ दिया सिंचन देख ले भाई खोल कर देख ले भाई मैं तो इन सभी एरो रास्तों को पार कर रहा हूँ अरे फ्रैंकलिन भैया आप गिरोगे नीचे अरे बिल्कुल सही बात है गिरेगा ये कैसे जा रहा है ओ भाई मैं तो यार बहुत ज्यादा तेजी में नीचे जा रहा था वेट भाई ये बड़ी वाली रिंग दोबारा से आ गई अरे फ्रैंकलिन भैया आप तो गिरना तय है नहीं भाई अब तो मैं इसको यार बहुत ही आसानी से भाई बिल्कुल बटरी स्मूथ तरीके से इसको पार कर दूंगा तू तो, तो कर भी रहा है बट तरीके से पार लेकिन अब नहीं कर पाएगा भाई ये दोबारा से एरो वाले रास्ते आ गए भाई चलो अब फटाफट से चढ़ाई करते हैं फिर नीचे चढ़ेंगे अरे फ्रेंकलन भैया नीचे जाओगे क्या वेट ठीक है नीचे 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 जा जा रहे हो आप तो अरे नीचे जा रहा हूं, नीचे चलते हैं वेट अच्छा ये दोबारा से पिंक वाले बड़े बड़े रिंग्स आ गए फटाफट से इसको भी पार करते हैं अरे फ्रेंकलन भैया हर बार आप राइट साइड से क्यूँ जाते हो अरे क्यूँकी भाई लेफ्ट वाला रास्ता बंद है अरे भाई बिल्कुल सही बात है मैंने भी दरवाजा देखा सिंचन तू घो है क्या अरे ठीक है ठीक है मैंने भी देख लिया वेट अरे नहीं आपको पॉइंट तो नहीं मिला अरे मिल गया भाई मिल गया हुर्रे भाई मजा आ गया यहाँ पर तो छोटी छोटी प्यारी, प्यारी प्यारी बीच बग्घी है क्या बात कर रहे हो बीच वाली बग्गी अरे भाई तो कल बीच वाली बग्गी को बीच पे ले जाना भाई नहीं इसको तो हम चैलेंज के ऊपर चलाएंगे मतलब इन सभी रास्तों के ऊपर चलाने वाले हैं अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया आप तो बीच बग्गी की मदद मतलब से आप और आगे जाओगे भाई नहीं गाड़ी बेकार है भाई ये क्या हो गया भाई मैं तो नीचे पलट गया तो चलो आज फाइनली मेरी बारी आ चुकी आप फटाफट से इस फॉर्मूला वन कार के अंदर बैठ चलते हैं और उसके बाद एक ही बार में फ्रैंकलिन भैया को ओवरटेक करके चैलेंज जीतते हैं मेरे को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता सिंचैन सिंच पहले पहुँच कर दिखा अरे ठीक है चलो गाइस इन्होंने मेरे को ललकारा है तो आज इन्हें हम हराएंगे आगे जाएंगे सबको दिखाएंगे जीत के आएंगे जीत कर कैसे आएगा सिंचन पहले इस बड़े वाले रिंग को पार करके दिखा वेट भाई तू तो साइड से गिरने वाला है हाँ बिल्कुल सही बात है अरे तुम्हारा भाई थोड़ी ना गिरेगा तुम्हारा भाई जीत के आएगा बोला ना मैं विनर हूँ और तुम सभी लोग लूजर्स हो लूजर्स लूजर्स मैं नहीं हूँ भाई लूजर्स है तू और हमारा चॉप द शो ऑफ दिंग कुलुए छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को अरे भाई वेट यार सिंचन अब तो तू नीचे गिरेगा अरे फ्रैंकलिन भैया मैं गिरा ही नहीं वेट आराम आराम से चलेंगे

में चौप दोनों को नहीं पता भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई इम्पोसिबल तू ने करा कैसे नहीं बता रहा ना, अब तो नीचे ना रास्ते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पता नहीं ये कैसे रास्ते हैं ये बड़े बड़े रिंग्स की मदद से बनाए गए एक बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब रास्ते हैं जिन्हें मैं आसानी से पार कर लूंगा लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है अरे भाई अब तो तू गिरेगा रेड वाले से गिरने वाला है भाई सही बात है अरे मेरे को नया चेक पॉइंट और नई गाड़ियां मिल गई ये तो यार छोटी छोटी गाड़ियां हैं मेरे ख्याल से ये एटीवी वाली कार है भाई तू कौन सी कलर वाली गाड़ी लेगा जल्दी से बता दे अरे ब्लू कलर लो या ग्रीन कलर फ्रेंकलिन भैया आप ही बता दो अरे सिंह मैं नहीं बता रहा वेट भाई मेरे बताने से पहले ही तूने ग्रीन वाली गाड़ी पिक कर ली अब तो मैं तेरे को कभी नहीं बताऊंगा बिल्कुल सही बात है ये दूसरों से पूछता और उससे पहले ही खुद ही सिलेक्शन कर लेता है चूज कर लेता वेट तू कहा जा रहा है ये नीचे गिरने जा रहा है मेरे को सब पता बहुत सब डर नहीं लग रहा भाई तू तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आ और नीचे ही गिर जाएगा अरे फ्रेंकलिन भैया नीचे थोड़ी ना गिरूंगा अगर

चलो अब फटाफट से यार ग्रीन वाली गाड़ी में बैठ जाता हूँ भाई तू भी यार सिंचन महा लूजर ही है अब तो तू हरेगा चक्री से टकराएगा और चक्री तो तेरे को भाई सीधा नीचे गिरा देगी बिल्कुल सही बात है वैसे ये चक्री नहीं है तो चक्रे थे ओ माई गॉड ये कहा है भाई यहाँ पर तो बहुत सारे बोल है भाई तो बोल है अरे फ्रेंकलन भैया बोलिंग बोल है और मेरे को तो ये रास्ता ही नहीं दे रहे वेट अब तो बहुत सारे फुटबॉल से है भाई ध्यान से ध्यान से वेट अरे नहीं सिंचे तू नहीं जीतेगा भाई सही बात नहीं जीतेगा अरे तुम लगा के बोलने से पहले ही मैं जीत गया ऐसा नहीं हो सकता सिंचन ये क्या हो गया गाइस ये तो सही में जीत गया नहीं नहीं यार मेरे को जीतना था वाला चैलेंज अरे फ्रैंकलिन भैया अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं जीत चुका हूँ और मेरे को एक प्यारी सी गोल्डन जेट भी मिल चुकी है भाई भाई ये ये क्या हो गया गाइस कैसे जीत इसको तो दुनिया का सबसे महंगा इनाम मिल गया अरे रुक जा अभी आकर हम भी तेरा इनाम देख कर जाते हैं अरे हाँ हाँ आ जाओ बहुत सारे यहाँ पे ना गोल्डन वाले ब्लॉक्स एंड डायमंड्स भी मिले आ जाओ फटाफट से अरे चॉप द पिंकी जल्दी से रेडी हो जा सिंचन का इनाम देखने जाना है अरे भाई मैं तो उसके इनाम को ही चोरी कर लूंगा अरे चिंता मत कर मैं तेरे को खुद ही दे दूंगा अरे ठीक है ठीक है फिर आ जाते हैं तेरे पास अरे हाँ यार चॉप द पिंकी जल्दी से सिंचिन का इनाम देखने चल अरे सिंचर ये देख भाई मैं तो चौप को लेकर तेरे इनाम के पास पहुंच गया वो वॉइस ऑफ सिंह तेरे को तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला इनाम मिला है अरे फ्रेंकलन भैया ये देखो कितनी ज्यादा प्यारी गोल्डन जेट मिली है मेरे को वो वॉय तो कुछ ज्यादा ही मैसेव है गाइस ये तो यार वाकई में बहुत ही बढ़िया लग रही और गाइस पीछे तो बहुत सारा खजाना है भाई देखो गोल्डन वाले ब्लॉक्स मिले हैं बहुत सारे डायमंड मिले हैं छोटे और बड़े दोनों मिले हैं भाई साहब सिंचन यार इनको यार बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा भी रखा है अरे फ्रेंकलिन भैया बिल्कुल सही बात है बीच में ट्रेंगल बना रखा है और भी बहुत सारे इनाम है जिनको अच्छे से सजाया गया है अरे भाई साहब सिंचन हम तो यार चैलेंज भाई हमारे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई बिल्कुल सही बात है मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं चोरी कर लूंगा अरे चिंता मत कर चोरी करना बुरी बात होती है इसलिए मैं तेरे को फिफ्टी परसेंट और फ्रेंकलिन भैया को भी फिफ्टी परसेंट दे दूंगा अरे सिंचर यार तू तो बहुत ही बढ़िया दोस्त है भाई मजा ही आ गया सिंचर यार ये बड़े वाले गोल्डन जो है ना भाई ये मेरे को दे दियो अरे फ्रेंकलिन भैया मैं आपको भी दे दूंगा और हमारे प्यारे चॉप को भी दे दूंगा भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है की तू ऐसा करेगा में बहुत ही ज्यादा मज़ा आ गया अरे फटाफट से यार गोल्डन जेट को उड़ाते हैं ठीक है फ्रेंकलिन भैया

टेक ऑफ भी अच्छा था आज तो यार बाकी में बहुत ही ज्यादा मजा आ गया आज तो यार सिंह को बहुत ही तगड़ा तगड़ा इनाम मिल गया आप लोग बताना आपको ये वाला इनाम कैसा लगा इसको जाकर दस में से रेटिंग करो ओ भाई देखो मैं तो स्टंट दिखा रहा हूँ लेकिन आज का चैलेंज सही में बहुत ज्यादा प्यारा था और गाइज तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इनाम शेयर कर दिए फिफ्टी फिफ्टी परसेंट भाई यार मजा ही आ गया भाई दोस्तों तो तेरे आज तो यार बाकी में बहुत ज्यादा मजा आ गया अगर आपको भी आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो जाकर यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना फटाफट से ऑल नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा दो और साथ ही में एक और काम करो वीडियो को शेयर करने के बाद हम लोगों को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम एक्स और साथ ही में फेसबुक पे और गाइज आज के लिए बस नहीं टाड़ा गुड बाय गुड बाय गुड बाय